तो गाइस आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यार आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो वीडियो होती है उसको बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से ही, एंड क्या कुछ मतलब बैकग्राउंड किस तरीके का रखना है, किस तरीके से फ़ोन PNG लगाना है, एंड ऐसा लगेगा कि यार लगेगा आपको कि ये सही में यार रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि सूटेड वीडियो है। तो इस तरीके कैसे एडिट कर सकते हो आप, मैं स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा एंड इजी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा ताकि ये वीडियो आप तो अच्छे से समझ में आ सके। तो ये वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यार यहाँ पर आ चुका हूँ मैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन पर, एंड इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आज हम ये सारी एडिटिंग करने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली। गाइज इस तरीके का एडिटिंग करके यार आप सही में बिल्कुल प्रोफेशनल वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकोगे, बस आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। गाइज मैं स्टेप वाइज स्टेप समझाने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में, तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा एंड 16:9 रेशियो को चूज़ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर मीडिया पर जाके आपको जो भी बैकग्राउंड चूज़ करना है उस बैकग्राउंड को यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में जाकर कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ पर सिंपल से चूज़ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद कुछ नहीं करना है यार, आपको सिंपल से उस बैकग्राउंड को जितना भी आपका ड्यूरेशन है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का उतना आपको कर लेना है। एंड उसके बाद अगेन आपको लेयर पर जाना है, एंड लेयर पर जाने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर जाकर आपको जो भी फाइल आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली फाइल है उसको यहाँ पर आपको इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना है। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद अगेन आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाकर मीडिया जाना है। एंड उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर कुछ फ़ोन PNG की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उन लिंक से आप PNG को डाउनलोड कर सकोगे बहुत इजी तरीके से। तो उन एक PNG को मैं यहाँ पर सिंपल से ले लेता हूँ। एंड मेरा एक PNG है कुछ इस प्रकार का, तो मैं इसे सिंपल से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहीं पर यार प्रॉब्लम आती है लोगों को एडजस्टमेंट करने के लिए, तो किसी प्रकार का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है गाइस इस वीडियो को आपको देखने के बाद। देखिए अभी मेरा पूरा फुल एडजस्ट हो गया, किसी प्रकार का अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद PNG को आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बड़ा कर देना है। एंड उसके बाद देखो गाइस अब इस PNG को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो है हमारा वीडियो अच्छे से बन जाएगा एकदम प्रोफेशनल वे में। तो दोस्तों अब और एक PNG मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर प्रॉब्लम आपको अगर फेस करना पड़ सकता है दूसरा PNG के साथ तो यहाँ पर मैं एक विदाउट हैंड वाला PNG ले लेता हूँ। ओके एंड उसको कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, देखो यार साइड कॉर्नर में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपको बाहर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला लेयर है उस पर आपको क्लिक करना है, एंड नीचे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्रॉप कर देना। आपको जिस तरीके से आपको एडजस्ट करना आप एडजस्ट कर सकते हो, जिससे जो आपका बाहर आ रहा है वो सिंपल से अंदर चला जाएगा। अब देखो गाइज जो बाहर दिख रहा था वो अंदर चला गया, यानी कि जो भी मीडिया फाइल हमारा बाहर नज़र आ रहा था फोन PNG के बाहर वो अब अंदर चला गया है। तो इस तरीके का आप यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ़ोन PNG को सेट कर पाओगे, एंड बैकग्राउंड में अगर आप और भी कुछ लगाना चाहते हो तो लगा सकोगे। लाइक अगर यहाँ पर कोई भी अगर आप अदर चीज़ लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपल से लगा पाओगे, और आप बहुत ही ऑसम वे में अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है वो अच्छे से एडिट कर पाओगे। तो गाइस इस छोटी सी वीडियो से मेरा मेन मोटिव यही था कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो वीडियो होती है उसमें आप किस तरीके से फ़ोन PNG को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको मैं अच्छे वाले PNG प्रोवाइड कराना था, तो अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से आप अच्छे वाले आप PNG चाहो तो डाउनलोड कर सकोगे, जिसमें
करने से आपको एडजस्टमेंट करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि आप किस तरीके से एकदम प्रोफेशनल वे में अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो जो गाइज ये छोटी सी वीडियो, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है एंड हमें ऐसा लगता है कि यार मैं जो मेहनत किया हूँ, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वीडियो में, वो सफल हो गया। और साथ ही साथ हमारे मनोबल को और मजबूत करने के लिए कमेंट में ज़रूर कुछ पॉजिटिव बात लिख देना यार, जिससे हमारा जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज हो जाए। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।